नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। देखिए आप लोग ना शेयर नहीं करते, मैं कितनी भी बार कह दूं लेकिन आप लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, तो कभी तो थोड़ा बात मान लिया करो और सेशन को शेयर कर दिया करो आप लोग। चलिए सेशन को शेयर करिए आप सभी लोग और लाइक करिए। और देखिए क्वेश्चन आंसर जो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और उस दौरान जो कुछ भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, कोशिश क्या करिए उसका आंसर देने की, उससे आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए तो देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास में और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, ठीक है ध्यान रखिएगा, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये 73वें ध्यान रखिएगा सत्र का आयोजन किया गया है किस राज्य में, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का। देखिए वीडियो को पॉज क्या करिए और कोशिश क्या करिए खुद से आंसर देने का आप लोग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया है इस बैठक का, इस सत्र का, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो जाता है इसलिए डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी की जो 73वीं बैठक हुई है, 73वां सत्र हुआ है उसका, देखा जो उत्तर प्रदेश में जो अभिलेखागार है यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश अभिलेखागार लखनऊ में इस 73वें सत्र का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री है परिवहन मंत्रालय जिनके कौन है भाई, दयाशंकर सिंह के द्वारा इस सत्र का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च कमिटी की यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की, तो इस समिति की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में की गई थी। और ये जो कमेटी है कौन सी, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी, ये देखा जाए जितने भी अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इन अभिलेखों के रचनाकारों जो उनका रचना किया जाता है उनके संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक तरीके से ये अखिल भारतीय मंच है। और इस मंच की स्थापना यानी कि जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, इसकी स्थापना किसके लिए किया गया था, किस उद्देश्य के लिए किया गया था, किन मुद्दों से संबंधित, तो यहाँ पे अभिलेखों के प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी, इस कमेटी की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि कहां स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है, उसका ये सचिवालय है किसका, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी का सचिवालय है कौन, ये नई दिल्ली में स्थित है जो कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इसका ये सचिवालय, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो अध्यक्षता की जाती है इस कमेटी की वो की जाती है केंद्रीय संस्कृत मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें जो सदस्य 134 सदस्य जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो केंद्रीय जो संस्कृत मंत्री है वो इस कमेटी का, किस कमेटी का दोस्तों, तो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय संस्कृत मंत्री होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष की जो 73वीं सत्र हुआ है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, इसलिए और भी ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए पेटा इंडिया जो कि यहाँ पे जानवरों के संरक्षण के लिए ये कार्य करती है, समय ये जो ये संगठन है और ये अवार्ड देती है जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और इस वर्ष जो है किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया का मिला है, वो करेक्ट आंसर इस ए है सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है 2022 का मिला। देखिए आलिया भट्ट को 2021 का मिला था, ठीक है, और 2022 का जो पेटा इंडिया का अवार्ड मिला है पर्सन ऑफ द ईयर वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पेटा इंडिया की ओर से अभी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा को, उनको पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इन्होंने देखिए क्या कार्य किया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर देखिए फैशन की जगत में देखिए
जो जानवरों के चमड़े होते हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बनाने में, और जैसे जैकेट बनाने में, लेदर के बैग बनाने में। तो इस तरीके से जो पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं का हत्या किया जाता है, इसके लिए ये फैशन जैसी चीजों को बनाने के लिए उसके विरोध में इन्होंने आवाज उठाई दी, पशुओं के हक में इन्होंने आवाज उठाई थी सोनाक्षी सिन्हा ने। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने फॉलोवर्स जो सोनाक्षी सिन्हा को, जो प्रशंसक है सोनाक्षी सिन्हा के, उनसे इन्होंने अपील किया था, उनको प्रोत्साहित किया था, जो जानवर है, जो कुत्ते हैं, जो बिल्ली हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए अपील किया था, जिस कारण से पेटा इंडिया ने 2022 का इनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। इसके साथ ही पेटा ने एक अभियान चलाया था, पेटा इंडिया ने चमड़े के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने भाग लिया, ठीक है, इस कारण से ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगर हम पेटा इंडिया की बात करें, यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, देखिए पेटा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे पशु अधिकार गैर लाभकारी समूह है, ये एक एनजीओ है जो पशुओं के अधिकार के लिए कार्य करती है, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए लोगों पे आवाज, लोगों से आवाज उठाती है, ठीक है। तो ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार, ये गैर लाभकारी समूह है और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी पेटा इंडिया की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है। देखिए अभी जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इस बैठक के दौरान, और ये जो बैठक थी ये कौन से क्रम की थी। तो 48वीं बैठक का आयोजन किया गया है जीएसटी परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो 17 दिसंबर को ये बैठक आयोजित की गई है और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का वित्त मंत्री, और इसी के द्वारा इस बैठक का अध्यक्षता की जाती है। वर्तमान में देखा जाए जीएसटी परिषद की जो यहाँ पे जीएसटी यानी कि जो वर्तमान में वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता किया, नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की गई, ठीक है, और ये 48वीं बैठक थी, ध्यान रखिएगा। इस बैठक में देखा जाए जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जितने भी राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके वित्त मंत्री, केंद्र और राज्यों के जो वरिष्ठ अधिकारी, उन सभी ने इसमें भाग लिया और इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके बारे कुछ हम निर्णयों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात तो जो दाल के छिलके हैं जिन पर कभी जीएसटी 5% लगाया जाता था, जो भूसी होती है उस पर भी जीएसटी लगाई जाती थी, तो उस पर जो है जीएसटी को हटाए जाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, दाल के छिलके पे, भूसी पे, पहले देखिए इस पर जो है 5% की जीएसटी लगाई जाती थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाए जाते थे। यहाँ पे देखिए कुछ अपराधों के लिए कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है यहाँ पे। तो जीएसटी परिषद ने देखिए कुछ और निर्णय लिए जिसमें से अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध से श्रेणी से बाहर रखा है। इतना ही नहीं, जो और भी कुछ छूट दी गई, जैसे कि फर्जी चालान को छोड़कर अभियोजन शुरू करने की जो न्यूनतम सीमा थी जो कि 1 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके कितने कर दी गई दोस्तों, 2 करोड़ कर दिया गया। और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए, हम उसको आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के पढ़ सकते हैं, यहाँ उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हम थोड़ा सा बात करेंगे जीएसटी परिषद के बारे में, ध्यान रखिएगा जीएसटी परिषद यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स रहा है। इसके जो गठन किया गया था जीएसटी परिषद का, जो गठन किया गया था ध्यान रखिएगा 2016 में किया गया था, किस संविधान अधिनियम के द्वारा, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये अधिनियम है, विधेयक कौन सा लाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक जो आया था कौन सा आया था दोस्तों, तो 122वां, ठीक है, 122वां विधेयक आया था, और ये कौन सा संशोधन अधिनियम है जो कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है जीएसटी से, और विधेयक आया था संवैधानिक संशोधन विधेयक 122वां था, ठीक है, और इसी के द्वारा राष्ट्रपति ने जो है जीएसटी को सम्मिलित किया हमारे संविधान में, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत, तो 279A1 के तहत शामिल किया। इस परिषद की जो अध्यक्षता की जाती है वो केंद्र के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, जो वित्त मंत्री जो होता है केंद्र का वो इस परिषद का अध्यक्ष होता है। इसमें देखा जाए इसके जो कार्य होते हैं, ये एक सिफारिश करता है किससे संबंधित, तो इसमें देखा जाए जो अनुच्छेद दिया है 279A4 उसमें ये बात कहेगी जो जीएसटी परिषद होगी वो जीएसटी से संबंधित यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज
वस्तु और सेवा कर से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे केंद्र और राज्यों के समकक्ष उनके यानी कि उनको सिफारिश करेगी। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कुछ समय पहले कि ये जो सिफारिश है जो परिषद के द्वारा जो सिफारिश की जाती है वो राज्य और केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। तो ध्यान रखेगा इसकी जो सिफारिशें होंगी वो बाध्यकारी नहीं होंगी, एक तरीके से सुझाव संबंधित कुछ होंगी, ठीक है। तो जीएसटी परिषद से ये चीज ध्यान रखेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जीएसटी को विश्व में लाने वाला पहला देश कौन सा था, कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहली बार विश्व में जीएसटी को लागू किया था अपने कंट्री में, वो कौन सा देश है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए गृह प्रवेश, ठीक है, लोगों का घर बना उस पर प्रवेश कार्यक्रम हुआ और इसकी जो है शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, त्रिपुरा में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करें। देखिए त्रिपुरा और यहाँ पे जो मिजोरम में देखा जाए बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, त्रिपुरा और मेघालय में, माफ करिएगा मैंने मिजोरम बोल दिया था। तो अभी देखा जाए त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक योजना चलाई जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, ठीक है, अलग अलग है। और योजनाओं के तहत जो वहां के लाभार्थी हैं उन लाभार्थी को, इस योजना के तहत जो लाभार्थी रहे उनके लिए जो है गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगरतला में, ठीक है, अगरतला गए थे वो, बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत किया उसमें ये भी था। इसमें जो है ये जो परियोजना है जिसमें यानी कि सभी के लिए जो आवास योजना यहाँ पे शुरू की गई है जो गृह प्रवेश योजना, इसको बनाने में जो है जो घर बनाए गए इसके तहत उसमें जो बजट आया है वो 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का आया है। और इससे जो लाभार्थी होंगे उनकी संख्या कितने से अधिक होगी, तो इन घरों में जो 2 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ध्यान रखिएगा पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगरतला बाईपास जो NH8 है यानी कि जो किसके किसके बीच में खैरपुर और अवरतली, उसका इन्होंने क्या किया दोस्तों, चौड़ीकरण के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया उसका चौड़ीकरण करने के लिए, किसका, NH नेशनल हाईवे 8 का। ध्यान रखिएगा किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन्होंने ऐसा किया। जैसा कि हमने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के दौरे पे गए थे जैसे कि त्रिपुरा मेघालय, उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया शिलान्यास किया, जिसमें से देखा जाए 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा और मेघालय में कितने करोड़ की, तो 6800 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया साथ ही साथ शिलान्यास किया। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन राज्यों में 6800 से अधिक जो है रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखिएगा वो है त्रिपुरा और मेघालय। देखिए अभी हम लोगों ने दो जो है योजनाओं के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो आइए थोड़ा सा योजना के भी बारे में शुरुआत कर लेते। देखिए यहाँ पे बात करते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किस उद्देश्य से, कि वर्ष 2022 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सभी के लिए आवास के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देखिए पहले भी इस तरह की योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। तो एक योजना चलाई जा रही थी कौन सी भाई, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का ही जो कि पूर्ववर्ती योजना है, इसी योजना को क्या किया गया था, पुनर्गठित किया गया 1 अप्रैल 2016 को, और पुनर्गठित करके एक नया नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है 2016 से ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस योजना को पुनर्गठित करके, इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके, उद्देश्य क्या है 2022 तक, ठीक है। यहाँ पे एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। देखिए अभी इसके भी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, समय को भी बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो शहरी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो मंत्रालय है वो अलग है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था, 25 जून 2015। ध्यान रखिएगा ग्रामीण जो शुरू किया गया था वो 2016 में, शहरी योजना की शुरुआत की गई थी 1 साल पहले कर दिया गया था 2015 में। मंत्रालय भी दोनों का अलग है
और शुरुआत करने का समय भी वर्ष भी अलग है। मंत्रालय यहाँ पे आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है और इस भी योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी, इसका भी उद्देश्य क्या है, जो भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या है 2022 तक आवास उपलब्ध कराना ये योजना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, इसका कौन सा वर्ष है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत। ठीक है, योजनाओं को पढ़िए, बहुत ज्यादा आजकल प्रश्न योजनाओं से बन रहे हैं। ठीक है, तो योजना आपको पता होना चाहिए, कई सारी योजनाएं आजकल दे दिया जा रहा है, उनका क्रम जो है बताने को कह रहा है, तो वर्ष याद होना चाहिए, मंत्रालय आपको योजना का याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 2022 में दुनिया का सबसे अधिक लिखा जाने वाला एथलीट कौन बन गया है। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा लिखा जाने वाले जो एथलीट बन गए हैं वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने देखा जाए जहां भी जो इन्होंने लगातार जो है ऐसे कई पल दिए हैं भारत को, जब भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था जापान की कैपिटल टोक्यो में, उसमें इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और अभी देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं 2022 में। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा भाई, तो अभी तक जो है दुनिया में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले जो एथलीट थे वे थे उसेन बोल्ट, और उनको इन्होंने यानी कि नीरज चोपड़ा ने विस्थापित किया है। नीरज चोपड़ा कितने लेख, 812। इनके बाद देखा जाए तो आपका एलन थॉम्सन यहाँ पे 751, शैली एंड फ्रेजर प्रिस 698 और शेरिक जैक्सन 679 लेख इनका स्थान है। नीरज चोपड़ा के भी हाल फिलहाल में जो अन्य उपलब्धि की बात करें तो ये भाला फेंक में डायमंड लीग फाइनल में जीतने वाले ये पहले एथलीट भी थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च उद्घाटन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस रिसर्च का जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों वो हुआ है बी, यानी कि तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद में, वहां नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं इस रिसर्च उद्घाटन जो किया गया है इसका क्या उद्देश्य है, किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, कौन दोस्तों, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने जो हैदराबाद में जिनोम वैली में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च का उद्घाटन किया है। ये देखा जाए ये जो रिसर्च है, ये जो एक तरीके से ये जो नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो एक तरीके से एक शीर्ष सुविधा है। किससे संबंधित, जो रिसर्च के दौरान यानी कि जब अनुसंधान होता है उसमें हम बहुत सारे रिसर्च जो है जानवरों पर करते हैं, तो उस समय जानवरों की नैतिक देखभाल, उनका उपयोग और कल्याण प्रदान करेगा कौन सा ये सेंटर। विशेष रूप से देखा जाए जो जैव चिकित्सा अनुसंधान है, ठीक है, उसमें जो जानवरों के अध्ययन में केंद्र का बहुत ही महत्व होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये केंद्र या जेनेटिक एजेंडे और बीमारियों के कारणों निदान और उपचार की खोज में महत्वपूर्ण होगा ये रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च का जो उद्घाटन किया गया हैदराबाद में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस राज्य सरकार ने, ठीक है यहाँ पे देखिए एक योजना जिसका नाम है अरुणोदोई, ठीक है, अरुणोदोई 2.0 योजना की शुरुआत किया है। तो अरुणोदोई जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। तो दोस्तों जो अरुणोदोई परियोजना है, या माफ करिएगा जो योजना है वो है असम राज्य सरकार की और इसी के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा आंसर सी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक, उन्होंने देश में जो है प्रत्यक्ष हस्तांतरण जो लाभ अंतरण है यानी कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, कि जो उनकी परिकल्पना है कि देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, उसी को हकीकत में बदलने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्हीं के नेतृत्व में जो असम की सरकार है इस योजना की कौन सी अरुणोदोई योजना की शुरुआत किया। और ये जो है दूसरा संस्करण, ध्यान रखिएगा
योजना में कितने लाभार्थी नए जुड़े गए हैं? तो 10.5 लाख जो है लगभग लाभार्थी नए जुड़े गए हैं। पहले भी ये योजना की शुरुआत की गई थी, अनुरोध योजना, और एक तरीके से ये अनुरोध योजना जो है ये असम सरकार की किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से संबंधित है। इस योजना में लगभग कितनी महिलाओं को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा? तो 35 लाख महिलाओं को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो महिलाएं होंगी उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से, और उनके खाते में लगभग 1250 रुपए जो है प्रति माह वो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट उनके ही खाते में जाएगा, ठीक है, जो भी इसका लाभार्थी होगा। और इस योजना के जो पहले चरण में कितने लाभ महिलाओं को जोड़ा गया था, 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया था। उद्देश्य क्या है? देखिए, बेसिकली इस योजना को लाए जाने का उद्देश्य जो सरकार का है वो लोगों को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें के जीवन स्तर को सकारात्मक रूप से बदलना ही ये एक सरकार का उद्देश्य है, ठीक है। तो आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से संबंधित है। तो कई बार योजनाएं पूछता है कि ये योजना का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं असम। देखिए, आज हम लोगों ने असम के बारे में पढ़ा, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल ही समझ लीजिए श्योर है, हो सकते बिल्कुल आएगा। और लगातार सरकार इस क्षेत्र के विकास से में जुड़ी हुई है, लगातार विकास कार्य यहाँ पे, नई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही, बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही, जिस कारण से नॉर्थ ईस्ट जो है वो लगातार चर्चा में है। तो शेष भारत के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का भी विकास हो, सरकार इस प्रयास में लगी हुई है, तो इसीलिए लगातार आप पढ़ते भी आगे भी पढ़ने को मिलेगा हमें। आइए बात करते हैं असम की, और नॉर्थ ईस्ट का आपके सामने मैप खुला हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है असम। असम दोस्तों जिसकी देखा जाए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कुछ राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये भूटान से और बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है, और 7 सिस्टर्स में से ये पहला एकमात्र ऐसा स्टेट है जिनके सभी बहनों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, सभी बहनों का ये हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखा जाए अगर हम इधर से देखें तो पश्चिम बंगाल से ये अपनी सीमा को साझा करता है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है, और मेघालय को तो ये तीनों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। असम, असम के दोस्तों कैपिटल देखिए क्या है, दिशपुर यहाँ पे ये कैपिटल है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी जो है यहाँ के राज्यपाल है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जिनके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा में इसकी 7 सीटें हैं, और माफ करिएगा, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। विधानमंडल जो है यहाँ पे एक सदनी है, एक ही सदन है यहाँ पे, और यहाँ की विधानसभा जो है उसकी सीटें 126 है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है नेशनल पार्क जो है यहाँ पे 7 हो गए हैं संख्या की दृष्टि से देखा जाए। पिछले वर्ष 2 नए राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाए गए थे, उन 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है, असम में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश को हरा करके FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन महिला नेशन कप 2022 जीता। ये देखिए भारत ने जीत लिया, प्रश्न में पता चल गया भारत इसका विजेता रहा। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा आज इन डेप्थ देख लेते हैं। और ये जीता है भारत ने स्पेन को हरा करके, ध्यान रखिएगा, स्पेन को हरा करके भारत ने इस फेडरेशन ये जो है कप जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो किया गया था स्पेन में किया गया था, स्पेन की धरती पर भारत ने स्पेन को हरा दिया और इस कप को जीत लिया। तो स्पेन का एक शहर है वालेंशिया, वहां पे इसका आयोजन किया गया था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, माफ करिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन महिला नेशन कप 2022, और इसके फाइनल में भारत ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया। तीसरे स्थान पे टूर्नामेंट में कौन सा देश रहा, जापान रहा, ठीक है। और इसी विजय के साथ भारत जो है, जब इस भारत ने इस कप को जीता, इसी जीत के साथ भारत जो है 2023-24 में जो FIH हॉकी महिला प्रो लीग है उसमें भारत ने जगह बना लिया, ठीक है। और ये जो महिला यहाँ पे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशन कप का ये पहला संस्त्र था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें महिला जो प्रो लीग का, इसका आयोजन किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, किस संस्था के द्वारा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है जो महिला प्रो लीग का। और हॉकी से संबंधित कुछ टर्म भी देख लीजिए जहां से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला टर्म देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुशिंग,
कट और फिर स्कोप, ये कुछ महत्वपूर्ण हॉकी टर्म्स है। देखिए हॉकी से संबंधित टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हॉकी से हो गया, क्रिकेट से हो गया, तो इन सारे टर्म्स को थोड़ा सा याद कर लिया करिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस फेडरेशन के भी बारे में, बात कर लीजिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 7 जैन को की गई थी। कब किया गया था? 1924 में किया गया था पेरिस, ठीक है, पेरिस में किया गया था जो कि फ्रांस की कैपिटल है। हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो लुसान है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहां पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त अभियान बल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर लातविया? दोस्तों इसका जो करेक्ट अगर हम आंसर देखें वो है लातविया, ठीक है, लातविया ने संयुक्त अभियान बल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो यहाँ पे जो लातविया का कैपिटल है रीगा, वहां पे ये संयुक्त सैन्य अभियान बल की जो ये तीसरी बैठक थी, तीसरी शिखर बैठक थी, इस बैठक को एक तरीके से शिखर सम्मेलन के जो बुलाए जाने की पहल की गई थी वो लातविया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री क्रिनिश करिंस के द्वारा इस पहल को पहल की गई थी कि ये बैठक बुलाया जाए, जिसका समर्थन किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, समर्थन किया गया, बैठक बुलाई गई। बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, यूक्रेन ने रशिया पे आक्रमण किया और उसके बाद जो रूस के जो आक्रामक युद्ध और युद्ध है उससे संबंधित उत्तरी अटलांटिक और जो बाल्टिक सागर से लगे हुए देश, जो उत्तरी क्षेत्र के जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा, वातावरण, परिणाम परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इसमें जो है चर्चा किया गया, ठीक है। इस संयुक्त अभियान बल की बात किया जाए तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें देखिए कौन कौन से देश शामिल है, तो डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ये कंट्री शामिल है, ध्यान रखें। लातविया की बात करें दोस्तों तो ध्यान, लातविया भी देखिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आ गया है, ये उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो यूरोप है वहां पे ये कंट्री स्थित है लातविया। और ये तीन बाल्टिक नेशन जो हैं, यहाँ पे आप देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है, बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सागर से जो लगे हुए कंट्रीज होते हैं उनको बाल्टिक नेशन कहते हैं। कौन कौन सी कंट्री लगे हुए दोस्तों? देखिए यहाँ पे एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, ये तीन कंट्री है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि बाल्टिक नेशन में कौन सा शामिल नहीं है, तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया ये तीन कंट्री है जो इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे हम लातविया की बात करें दोस्तों जिसकी कैपिटल रीगा है, और यहाँ पे देखिए रीगा, गल्फ ऑफ रीगा भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ रीगा से कौन से देश लगे हुए हैं। देखिए गल्फ ऑफ रीगा जो कि कनेक्ट यहाँ पे बाल्टिक सी से लगा हुआ है और इससे एस्टोनिया और ध्यान रखिएगा लातविया कंट्री लगी हुई है गल्फ ऑफ रीगा से। रीगा जो की कैपिटल है लातविया की, यूरो जो है यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है क्रिश्निस करिंस जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लातविया दोस्तों कभी ये सोवियत संघ के कब्जे में हुआ करता था जब 1991 में, ठीक है, ध्यान रखिए जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद से ये अलग कंट्री हुई लातविया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, हम लोगों ने देखिए दो मैप किया, एक नेशनल यानी कि नॉर्थ ईस्ट का किया और एक इंटरनेशनल में लातविया देखा। मैपिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश क्या करिए आप लोग के पास एटलस हो, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ना है तो एटलस में जरूर देख लें कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा यूरोप कॉन्टिनेंट में लातविया आता है, लोकेशन देखी, इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश क्या करी, कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग आप कंट्री को देखें, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल छापर काला हिरण अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक है। तो ताल छापर देखिए काला हिरण अभयारण्य अभी चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है? तो देखिए ये तो लगभग सबको पता होगा काला हिरण केस कौन से है, तो राजस्थान है, तो ताल छापर काला हिरण जो है अभयारण्य ये यहाँ पे स्थित है। आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में रहा है। तो ताल छापर काला हिरण अभयारण्य जो है ये राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है चूरू जिला, चूरू जिला में ये स्थित है। इस अभयारण्य का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 7.19 लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। अभी हाल ही में देखा जाए तो जो यहाँ के उच्च, जो यहाँ के राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी एक खंडपीठ ने ताला
यहाँ पे ताल छापर कारण हिरण अभयारण्य के क्षेत्र को कम करने की किसी भी कार्यवाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहां पे ऐसा चर्चा में रहा था कोर्ट ने, जैसे कि वहां पे कुछ खबर छपी थी जिसमें ये कहा गया था कि वहां के जो खादान मालिक है, देखिए वहां पे माइंस है, तो जो माइंस जो खादान के मालिक है या जो वहां पे स्टोन क्रशर है, उनके संचालकों के दबाव में आकर के जो इस पूरे अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना करने की 3 किलोमीटर करने की बात की जा रही थी। अभी देखिए यहाँ पे 7 है, एकदम आधा करने की बात की जा रही थी। तो इसी खबर को संज्ञान में लिया वहां के खंडपीठ ने और ये आदेश दिया, इस कार्यवाही की पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी भी हाल में इसके क्षेत्रफल को कम नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से ये ताल छापर काला हिरण अभयारण्य चर्चा में आ गया है। अगर हम बात करें इसमें लगभग जो ब्लैक बक्स जिसको काला हिरण हम कहते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पे लगभग 4000 ब्लैक बक्स पाए जाते हैं। रैप्टर्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं, 40 से अधिक उनकी प्रजातियां हैं और भी अन्य जो है जंगली जानवरों का ये एक तरीके से हैबिटेट, एक तरीके का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य अभयारण्य में देखा जाए अभयारण्य के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां, एक तो पहली बात अति शुष्कता वहां पे है, ड्राइड एरिया है काफी ज्यादा, चराई की समस्या आती है, आक्रामक वृक्ष प्रजातियां जो वहां पे एक तरीके से फैल करके वहां के वातावरण पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाती है, कौन सी प्रजाति, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाया गया है कि इस तरह के जो एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा क्या है, तो एक तरीके का ये आक्रामक वृक्ष प्रजातियां होती हैं जो आसपास के क्षेत्रों में फैल करके वहां के वृक्षों को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। और यहां के आसपास जो नमक की खदानें हैं ये सब क्या है, एक तरीके से इस अभयारण्य के समकक्ष चुनौती है, ठीक है। तो देखिए काला जो ये ब्लैक बक से संबंधित जो अभयारण्य हमें देखने को मिला, एक तो राजस्थान में है, ठीक है, ताल छापर काला हिरण अभयारण्य, और भी भारत में और भी अभयारण्य है जहां पे इनकी ब्लैक बक यानी कि काले हिरण की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसमें से देखा जाए एक आपका है वेला, ध्यान रखिएगा वेलावदार, वेलावदार अभयारण्य है दोस्तों, ये कहाँ पे, वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क है, कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जामनगर में है, ध्यान रखिएगा जामनगर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये गुजरात में है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक तमिलनाडु में भी एक अभयारण्य है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट कैलिमर, ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉइंट कैलिमर सेंचुरी जो है वो यहाँ पे ये तमिलनाडु में है, जहां पे हमें काले हिरण की जो है काले हिरण की संख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। तो काले हिरण से संबंधित एक तो वेलावदार है जो कि गुजरात में है, पॉइंट कैलिमर है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान का ताल छापर काला हिरण अभयारण्य, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अभयारण्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ, अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 19 दिसंबर को मनाया गया गोवा, जो कि 1961 में पुर्तगालियों से अलग हुआ, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और फिर पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा और तब से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो राजविंदर सिंह भट्टी जो कि गुजरात यहाँ पे बिहार के माफ करेगा डीजीपी बनाए गए हैं। और अभी इंग्लैंड के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं कौन, तो लेग स्पिनर रेहान अहमद जो है ये इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। और नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने उपग्रह आधारित वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है, कब तक दोस्तों, 2025 तक। तो 2025 तक माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने आपस में साझेदारी की है उपग्रह आधारित वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा देने के लिए। और वहीं आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि एक बुक कभी हाल ही में जिसका विमोचन किया गया, क्या नाम है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, इतिहासकार विक्रम संवत जो है ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक है, राइटर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे, मैंने क्वेश्चंस भी काफी पूछे हैं इस जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान, उम्मीद है आप सब लोग आंसर देंगे, स्पेशली देखा जाए रोली जी, समसीर जी, एके वर्मा जी, त्यागी जी, आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं, और भी 2-3 लोग हैं जो काफी अच्छा आंसर करते हैं, कोशिश करिए आप सब लोग आंसर दें। कुछ बच्चों को ये भी समस्या हो जाती है कि मैं थोड़ा इन डेप्थ क्यों बताती हूँ, कारण ये बच्चा ये कोई वन डे एग्जाम नहीं, हम सिविल सर्विसेज तक की कोशिश करते हैं, पीसीएस लेवल तक की चीजें बताई जाती हैं आपको, तो थोड़ा इन डेप्थ तो जाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा तो नहीं वन लाइनर, और आजकल जो एग्जाम के जो पैटर्न भी वो काफी डायनेमिक है, तो वन लाइनर वालों का काम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, 30-35 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं होता है,
है ना। तो चलिए इसी तरीके से हम जुड़ते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए टेलीग्राम से अपना पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।